वैसे ऐसा होता नहीं है कि महफिल के शुरू में ही महफिल जो है वो इतने अरूज पर पहुंच जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि महफिल के इब्तदाई में ही कोई हिम्मत कर दे बंदे की, कह दे जरा सुभान अल्लाह। सलामत रखे अल्लाह पाक आप सबको भी सलामत रखे। अगर इंसान अपने परवरदिगार की नेमतों पर गौर करे, अगर इंसान अपने परवरदिगार की नेमतों पर गौर करे कि उसने कितनी नेमतों से मुझे नवाजा है, तो वो इस नतीजा पर पहुंचेगा कि उसको हर वक्त अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना। मैं जुमला दोबारा दोहराता हूं और अपनी जबान में कह देता हूं ताकि बात जरा आसान हो जाए, बुनियाद बन जाए, मैं जल्दी के साथ आगे बढ़ जाऊं। अगर इंसान अल्लाह की नेमतों पर गौर करे तो वो इस नतीजे पर पहुंच सी कि उसकी हर वक्त अपने परवरदिगार ना शुक्र अदा करना चाहिए। एक छोटी जी नेमत पर गौर करने आ, तो फिर आमदे बारी ताला की तरफ अशने आ। भाई अगर इंसान गौर करे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं शायद भाई के तवसुल तो वसीले से, क्या सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जवाब मैंने खुद देना है, आप में परेशान नहीं होना। क्या आप बता सकते हैं कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और कितने पैसों की ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है? सवाल मेरा यह है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में कितने पैसों की ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है और कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है? जो कितनी वाला सवाल है ये मैं छोड़ता हूं, कितने पैसों की ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है इस पर बात करता हूं और अपने कलाम को आगे बढ़ाता हूं। बैनुल अक्वामी अदाद शुमार इंटरनेशनल कैलकुलेशन के मुताबिक जो इंसान 25 से 40 साल की उम्र गुजारता है वो 25 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हजारों की तादाद से, अरबों की तादाद से, लाखों की तादाद से दुनिया बसती है, किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं होती। शायद भाई किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं होती, मियां तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, मियां तुमने आज अल्लाह के फलां हुक्म की हुक्मदूली की है, आज तुम्हें रिस्क से महरूम रखा जा रहा है, आज तुम्हें रिस्क नहीं दिया जा रहा, आज तुम्हारे घर पर बारिश नहीं बरसाई जा रही, आज तुम्हारी ऑक्सीजन बंद की जा रही है, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, तुम्हें अल्लाह की फला नेमत से महरूम किया जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हम गुनाह करते हैं वो अता करता है, हम गुनाह करते हैं वो सखा करता है, हम गुनाह करते हैं वो अता करता है। मियां साहब ने इसीलिए तो फरमाया था कि फजल करे ता फजल अदल करे ता थर थर कमण उचियां शाना वाले ते फजल करे ता बख्शे जामण मैं वरगे मुकाले। आपसे किसी ने पूछा, हुजूर मुनाफिक की क्या निशानी है, तो आपने ये कहा कि अगर लोगों में हो और आसानी में हो तो अल्लाह की इबादत ज्यादा कर दे।